हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, माई सेल्फ सुधीर कुमार श्रीवास्तव। टुडे वी विल डिस्कस एंड एक्सप्लेन द चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर केमिस्ट्री सेकेंड वॉल्यूम दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। बट बिफोर डिस्कस दिस चैप्टर वी डिस्कस द हाउ मेनी चैप्टर्स इन वॉल्यूम सेकेंड, दैट इज फर्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, फोर्थ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दीज आर टोटल चैप्टर्स एंड टोटल चैप्टर्स इन योर केमिस्ट्री क्लास 11 वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड टू बुक्स एंड टोटल चैप्टर्स 14। हियर 7 चैप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर वॉल्यूम सेकेंड, that is first chapter we will discuss today, redox reaction. And you know what is reactions. In class 10 you read about the different types of reactions. When matter change into one form to another form, different types of reactions are possible, that is combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reaction. So we can say that a large number of reactions are takes place important role in the formation of different types of compounds which are used in the medicine form as well as biological form as well as industrial form in our daily life. So we talk about redox reaction. This redox reaction, redox is made up of two words, first red and second ox. Red means reduction and second that is ox, oxidation. When we both combine, we obtain that the process in which both reduction and oxidation, the process in which both reduction and oxidation all takes place simultaneously unknown as redox reaction. मैंने आपको बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा कि आखिर इस चैप्टर का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस चैप्टर इन आवर डेली लाइफ। वी ऑलरेडी राइट द टॉपिक दैट इज यूजेज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्या यूज है। देखिए फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी मीन्स मेडिसिन फार्मेशन कंपनी, जहां पे दवाइयां बनती हैं वहां पे इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है। बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल कंपनी, जहां पे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे। इंडस्ट्रियल कंपनी, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बनते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, इस टाइप का रिएक्शन होता है। मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरिया, मेटलर्जिकल मतलब धातुओं के प्राप्त करने में, आपने टेंथ में पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, तो वहां पे भी इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट आपने देखा एग्रीकल्चरल एरिया, कृषि क्षेत्र में, खेतों में फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप्स के फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं जिनके द्वारा आज हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्लांट के ऑब्टेन हो गए हैं जल्दी कम समय में, और एक पार्टिकुलर प्लेस पे हाई ग्रेड उसका प्राप्त हुआ है, वो किसकी देन है, रेडॉक्स रिएक्शन। सो इट इज यूज इन डिफरेंट टाइप्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चरल एरिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ना चाहते, क्योंकि जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तभी हमें ये पता होगा इसका कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे इसका यूज किया जाता है। अब इसके लिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल आइडिया क्या था, शुरू में विचार क्या आया, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। हम तो ये तो जान गए कि दो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर पॉसिबल आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, तो ये सब
कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसी को हम पढ़ेंगे, क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडक्शन, मतलब पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे क्या होता है रिडक्शन, और फिर हम आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसमें क्लासिकल आइडिया का पॉइंट ऑक्सीडेशन। नाम जानते हैं आप ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ओके, तो देखते हैं आइए डेफिनेशन। और मैंने आपको पहले ही आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के थ्रू अपने राइट रिटन हेड से नोट प्रोवाइड कर दिए हैं, इस चैप्टर के आपको भेजा दिया है, आप उसको देखते रहिए, उसको कॉपी में फिर कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, होमवर्क करते रहिए, और इस लाइव क्लास को डेली का डेली आप चेक करते रहिए। ओके, देखिए ऑक्सीडेशन फर्स्ट पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। जब किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे एडिशन ऑक्सीजन का हो चाहे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो जिसपे की क्या हो, दो एलिमेंट्स विच हैव नेगेटिव चार्ज, तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप बोल सकते हैं अगर एडिशन नहीं होगा ऑक्सीजन का तो क्या होगा, रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलना, अथवा जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जिसके की पॉजिटिव चार्ज होंगे, ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, जब उस सब्सटेंस से निकलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को डिफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरी डिफिनेशन, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, या विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है सब्सटेंस से, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो डिफिनेशन आ गई, अब इसी डिफिनेशन को हम एग्जाम्पल से प्रूव करें। ओके, देखिए हमने वी टेक द एग्जाम्पल Mg+O2 इन क्लास 9th 10th यू हिट दिस टॉप एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर, व्हेन मैग्नीशियम बर्न विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फाइंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सब्सटेंस हुआ, ऑक्सीजन इससे जुड़ा, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। देखिए आपने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, इससे बना क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। फिर देखिए सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फाइंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन आके सल्फर से जुड़ा तो एक गैस बना सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी एडिशन हुआ किसमें, ऑक्सीजन का किसमें, सल्फर में, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे दोनों मैंने एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन दिए। अब देखिए यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का अगर अटैचमेंट, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अटैच विथ ए सब्सटेंस, तो देखिए ये मैग्नीशियम हो गया एलिमेंट, इसी मैग्नीशियम के साथ एक मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लिया, कौन सा, फ्लोरीन, F2 फ्लोरीन। अब ये F2 जब आके इससे जुड़ा, ये निगेटिव एलिमेंट जुड़ा, इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं, तब भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपने लिखा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस, तो फ्लोरीन जुड़ा मैग्नीशियम से, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, बना क्या, मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसके बाद का एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, ये भी नेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए तीनों एग्जांपल किसके हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फर। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं जिसमें भी दोनों होगा, एडिशन भी होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल भी होगा, क्योंकि दोनों डिफिनेशन है इसी,
और दोनों मैंने बताया द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें दोनों होंगे। अभी देखिए इसमें केवल ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा। अब मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा निकलेगा और ऑक्सीजन क्या होगा जुड़ेगा। तो देखिए मेथेन क्लास 10th में आपने पढ़ा था कार्बन एनिड्स कंपाउंड चैप्टर जिसमें आपने कंबसन रिएक्शन पढ़ा था। तो यही है फिर मेथेन बर्न्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए मेथेन एक सब्सटेंस है, जब मेथेन को वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जब मेथेन कहाँ पाया जाता है लकड़ियों में, और ठंड के दिनों में हम उसी को जलाते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। तो देखिए ये मेथेन का हाइड्रोजन क्या हुआ निकला, किसके साथ जाके जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बनाया वाटर बनाया। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन से। लेकिन ये कब जुड़ा, जब इस कार्बन ने अपना हाइड्रोजन निकाल दिया। कार्बन कब निकाला अपना हाइड्रोजन, जब ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा। मतलब यहाँ कितने ऑक्सीजन है चार है, यहाँ कितने हैं दो है, तो हमने बैलेंस कर दिया। दो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया और दो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन किसके थे, इसी मेथेन के थे। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में दोनों हो गया, कार्बन टूटा पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर उसका हाइड्रोजन अलग होके ऑक्सीजन से क्या बनाया जल बनाया। तो हाइड्रोजन जो जुड़ा ये ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। इसी इस ये क्या हो गया इसमें इसमें आके दूसरा एलिमेंट अटैच हो गया। तो ये जो एग्जांपल है किसका है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपने देखा व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ओके ओके सेकेंड टॉपिक रिडक्शन, एडिशन अभी आप लोगों ने देखा उसकी एग्जांपल देखे। सेकेंड रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना किसी सब्सटेंस से या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना क्या कहलाता है रिडक्शन। इसी का अपोजिट भी रिडक्शन ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर निकलेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा जुड़ेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। किसी हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से जुड़ना या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाता है रिडक्शन। रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं, अपचयन। ओके तो यहां पे एग्जांपल हम लेते हैं जैसे हाइड्रेशन ऑफ वाटर, जल जो बनता है उसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराए। आपने थर्मल डिकम्पोजिशन क्लास 10th में पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन में आपने देखा था जब करंट का फ्लो किया जाता है तो वाटर लीक हो जाता है टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या हुआ निकला, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट से आप देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे निकलना हुआ या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। ओके सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए HGO, HGO इसको क्या कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका भी जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ये 2HG बनाता है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी आप देखिए 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ रिलीज हुआ रिमूवल हुआ, तो ये क्या कहलाया आपका रिडक्शन। बोथ एग्जांपल्स आर रिडक्शन। अब हम थर्ड जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ रहा है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तब क्या होगा रिडक्शन। तो यहां पे आप देखिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड लिया गया है जिसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया, हाइड्रोजनेशन कहलाता है रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड किया गया क्या बना, यहाँ पे आप देखिए
यहां से इसने APCL को ले लिया और क्या बना दिया HCl, और ये ढेरी क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया फेरस क्लोराइड में। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, ये क्या कहलाया आपका रिडक्शन। ओके, हम इसको अब बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच बोथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडक्शन। वह अवस्था जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है अथवा हाइड्रोजन उस पदार्थ से जुड़ता है क्या कहलाता है अपचय। अब हम क्लासिकल आइडिया में थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो चैप्टर है उसके बाद, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जान लिया। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन करने पे जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वही क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। और इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बता दिया था दोज रिएक्शन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर पॉसिबल आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन मेड अप ऑफ टू वर्ड्स रिड एंड ऑफ, रिड मींस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ओके, तो डेफिनेशन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने केवल एक ही को लिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जब एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो प्रोसेस क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, और जब एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो प्रोसेस क्या होगा रिडक्शन होगा। देखिए यहां मैंने लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा रिडक्शन, पहले वाले में लिखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच बोथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि देखते हैं कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे HGCl2 प्लस HNCl2 ऐड किया गया तो बना क्या HGCl2 प्लस HNCl2। हम इसमें देख रहे हैं HNCl2 स्टाइनस क्लोराइड का सोल्यूशन जब ऐड किया गया HGCl2 मल्टीप्लस क्लोराइड में तो ये क्या बना दिया स्टाइनिक क्लोराइड, स्टाइनिक क्लोराइड। और यहां पे क्या हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा, देखिए इसमें HNCl2 Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, HGCl2 का दो और इसने ऐड किया बैलेंस करने दो होगा तो टोटल फोर हो गया, दो इसने इसका ले लिया, इसका लिया तो ये क्या बना दिया HNCl4। अब आपने बोला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं लेकिन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है जिसको हम क्लोरीन बोल रहे हैं, तो क्लोरीन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये HNCl2 का HNCl4 में क्या हुआ ऑक्सीडेशन। जबकि इसी के सेकेंड पार्ट में HGCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का मर्क्यूरिक क्लोराइड में क्या हुआ रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यहाँ देखिए क्या हुआ हाइड्रोजन है नहीं लेकिन यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट था उसका नंबर कम हो गया, यहाँ कितना था फोर था HGCl2 में टू HGCl2, जबकि यहाँ पे कितना हो गया निगेटिव एलिमेंट का नंबर कम हो गया टू हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन। इससे स्पष्ट है कि ये रिएक्शन कैसा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। हम लिख सकते हैं इन दिस रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड गेट कन्वर्टेड ऑन एडिंग क्लोराइड आयन टू फॉर्म स्टेनिक क्लोराइड इन विच द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इंक्रीजेड सो इट इज ऑक्सीडेशन एंड HGCl2 टू HG2Cl2 इज रिडक्शन सो इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके होमवर्क आपको दे दिए गए थे पहले ही, उसको आपने कंप्लीट किया होगा, चेक कराया था, नहीं किया है कुछ बच्चों ने तो उसको एक बार फिर से कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।